हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो निमसेट टारगेट 2020 नेक्स्ट प्रिपरेशन प्लान है। 9 सितंबर से जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ उसको लेके, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं और अब आप 9 सितंबर बैच को फॉलो करेंगे। तो कैसे फॉलो करना, आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला था कि मैं आपके साथ एक सेशन शेयर करूंगा। इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। टाइम हमारे पास करीब करीब अब 8 मंथ है। इन 8 मंथ को किस ढंग से टारगेट करें कि हम बहुत अच्छी रैंक ला पाएं। तो अभी भी अगर हम देखें, पहले पूरी चीज समझें। और एक चीज स्पेशली बोलूंगा, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले 2021-2022 वाले स्टूडेंट भी बहुत सारे जुड़े हैं। इनफैक्ट 2021 वाले बच्चे कुछ एक्सपीरियंस लेने भी आए, उनके एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो 2020 को टारगेट कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, उसमें भी कुछ बच्चे 9 सितंबर के 1 वीक के लिए एक्सपीरियंस लेने आए, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि भोपाल में क्लासरूम कोर्स में किस ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग को ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको उसके एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं, पर स्पेशली मैं बोलूंगा सभी उन बच्चों से जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, ये सेशन उनके लिए नहीं है। हाँ, इस सेशन को सुनना जरूर है आपको, क्योंकि इस सेशन को सुन के समझेंगे कि जो लोग फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, इस वजह से उनके ऊपर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। और फाइनल ईयर में आने के बाद भी अगर वो और लेट करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर कैसे बिल्ड होता है। ये प्रेशर अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो आपके ऊपर कभी बिल्ड नहीं होगा। ये एडवांटेज होता है समय रहते प्रिपरेशन या पहले करने का। बट अब मैं बात करता हूं उन बच्चों से जो फाइनल ईयर या जिन्होंने एमसीए के लिए ड्रॉप लिया है, और अब वो अभी अभी जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, 9 सितंबर बैच को फॉलो करना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा। और एक बैच हमारा 5 अगस्त को हुआ था। सबसे पहले ओल्ड बैच में क्या क्या हो चुका है वो जानना जरूरी, क्योंकि देखिए सभी को एग्जाम मई में ही देना है। और इस बार ना केवल आपको निमसेट देना है, इसके अलावा JNU देना है, इसके अलावा BHU देना है, पुणे यूनिवर्सिटी देना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देना है, निमसेट के थ्रू हैदराबाद तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम जो होंगे वो सब आपको टाइमली बताए जाएंगे। पर लगभग सभी एग्जाम मई में होते हैं। अगर हम सेप्टेम्बर के हिसाब से देखें तो सेप्टेम्बर से अप्रैल तक हमारे पास लगभग 8 महीने होते हैं। मई में भी सेकेंड थर्ड वीक होता है, यानी आज भी हमारे पास 8 महीने हैं कहने को। 8 मंथ मतलब होता है, 8 मंथ का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 240 डेज। 240 डेज कम नहीं होते हैं, काफ़ी होते हैं अगर आप इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करें तो। हाँ, अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये 240 डेज कम हो सकते हैं। अब जो बच्चे ऑलरेडी मई के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, उनके कंपेयर में आपको क्या एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे वो समझ लीजिए। जो मई से बच्चे पढ़ रहे हैं वो 6 आवर प्रिपरेशन करके भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, पर आपको एटलीस्ट 10 आवर प्रिपरेशन करनी होगी, जब भी आप उनको कैच कर पाएंगे। यहां पर भी मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं, बच्चा जब, जैसे अभी 9 सितंबर के लिए कुछ बच्चे क्लासरूम कोर्स के लिए भी आए हैं, तो जो क्लासरूम कोर्स के लिए आए उनको भी मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको एग्जाम तो पुराणों के साथ ही देना है, एग्जाम सबका एक डेट पे होना है। तो अगर सबका एग्जाम एक डेट पे होना है तो हमें उस जैसे बच्चे की प्रिपरेशन करनी होगी जो सबसे पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, आपको उसको कैच करना जरूरी है, क्योंकि उसको अगर आपने कैच नहीं किया तो वो जो गैप है वही आपकी रैंक में गैप रहेगा। इसलिए ये चीज का फोकस मैं हमेशा बैच में भी रखता हूं और ये चीज का फोकस ऑनलाइन वाले बच्चों को भी रखता हूं, कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो बच्चा 1 या 2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहा है आपको उसको कैच करना है। अब वो अगर 4 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 8 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, पर अगर आपने उसको कैच नहीं किया तो कैसे पॉसिबल होगा कि एक अच्छी रैंक लाए। और इस समय अगर मैं बात करूं NITs के प्लेसमेंट की या DU के हैदराबाद की, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं। 10-10, 15-15, 20-20 लाख के पैकेजेस नॉर्मल मिल रहे हैं, हाईएस्ट पैकेज 30-35 लाख आ रहा है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि लोग पहले MBBS लिए करते थे क्योंकि वहां पैकेजेस ज्यादा होते थे, पर अगर आज हम देखें तो IIM में जो पैकेजेस होते हैं, 2-4 टॉप बच्चों को छोड़ दें तो वही पैकेज आज MCA स्टूडेंट को मिल रहा है। तो ऐसे में इतना अच्छा करियर ऑप्शन को छोड़ना आपके लिए बेवकूफी होगी, बल्कि अपना इनपुट बढ़ाने की जरूरत है। जितना लेवल बढ़ा सकते हैं वो लेवल बढ़ाएं। तो मैं आपको एक बहुत प्रॉपर प्लान बता रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कोशिश करिए कि इस प्लान को फॉलो कर पाए। पर नहीं भी कर पाए तो एक एक चीज को धीरे धीरे करते हुए चले, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जब ऑनलाइन वाले बच्चे हैं एक्सपीरियंस लेना है तो मुझे समझ में। इसलिए मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं। इनफैक्ट जो बच्चे अभी आए हैं 9 सितंबर के लिए, उनके एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। पर सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ऑनलाइन वाले बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो जब वो यहां है तो समझ में आया,
कंटिन्यूसली वीडियो नहीं देखना है, कम वीडियो भी नहीं देखना है, एक समय में दो टॉपिक करना है या तीन, ये सब बताने वाला हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, सर फाइनल ईयर के साथ कॉलेज में मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में हम क्या करें? तो वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल में। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सेशन को 1, 2, 3 टाइम कम से कम ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं बात करूं ओल्ड बैच की, तो और अच्छा एक और चीज है कि आज से 8 सितंबर से हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर का पर्पज ये है कि अगर आपके अभी से जो पिछले टॉपिक, क्योंकि बच्चों ने एक मैसेज दिया था कि हम पीछे के टॉपिक भूल जाते हैं, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला कि अब आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जाए। उस फुल लेंथ टेस्ट का फायदा ये होगा कि जो टॉपिक हो चुके हैं वो भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवाइज करेंगे, जिससे कॉन्टेंट बने रहे। आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छी न्यूज बता दूं कि आपको जो टेस्ट पेपर देने होंगे वो ऑनलाइन देने होंगे, एक बात। इसके अलावा जो भोपाल में क्लासेस चलती हैं, आपको हो सकता है आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में, वो लाइव सेशंस भी मिलने चालू हों। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सब के लिए न्यूज़ है, बहुत जल्दी मैं प्रोसेस कर रहा हूं, क्योंकि जब यहां क्लास होती है तो वो क्लास आप भी देख सकें, ये भी एक कोशिश की जा रही है। पेपर एनालिसिस जो यहां होता आपको मिलता अभी भी, पर वो लाइव भी मिलने लगे, ये एक आपके साथ कोशिश की जाएगी जो बहुत जल्दी पॉसिबल होगा। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि और फुल लेंथ, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि फुल लेंथ का मतलब तो जितने टॉपिक हो चुके हैं वो सब टॉपिक, इंक्लूडिंग इसमें बेसिक रीजनिंग चालू कर दी है मैंने, क्योंकि बेसिक रीजनिंग के लिए याद रखिए रीजनिंग पढ़ के नहीं आती है, अगर मैथ्स स्ट्रांग होता जाएगा तो रीजनिंग अपने आप बनेगी। रीजनिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो पहले करना चाहिए आप लोगों को, पहले वही करिए, लाइक नंबर सिस्टम हुआ, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, राइट, ब्लड रिलेशंस, ये टॉपिक्स अगर आप पहले करते हैं तो अच्छा है, ब्लड रिलेशन आप बाद में भी कर सकते हैं चलेगा, कोई भी टॉपिक्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, क्यूब, क्यूबाइट, ये टॉपिक्स, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब टॉपिक्स आप अगर करना एक एक करके धीरे धीरे चालू करेंगे तो अच्छा होगा। तो आप बात करते हैं कि ओल्ड बैच में क्या क्या हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, कम्प्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉग, लॉग सीरीज एंड एक्सपो सीरीज, प्रोग्रेशन मीन्स एपीजीपी एचपी, नंबर सिस्टम, क्लॉक कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। और 9 सितंबर से ट्रिग्नोमेंट्री स्टार्ट होगा, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेंट्री खत्म होने के बाद सेकंड लार्जेस्ट टॉपिक होता है कैलकुलस, वो स्टार्ट होगा। और ये ट्रिग्नोमेंट्री में पहले बता दूं एटलीस्ट 1 मंथ चलेगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, और ट्रिग्नोमेंट्री एक सिंगल टॉपिक नहीं है, ट्रिग्नोमेंट्री में ट्रिग्नोमेंट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक पार्ट, ये पूरा कवर होने में एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा। इस 1 मंथ में जो बच्चा आज से पढ़ना क्लासरूम में चालू करेगा 9 सितंबर से, उसको धीरे धीरे एक एंड पे ये टॉपिक्स भी कवर करवाए जाएंगे, और ट्राई किया जाएगा कि 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद, यानी हम टारगेट ये ले रहे हैं कि दिवाली आते आते तक या अक्टूबर एंड होते होते तक, आज 9 सितंबर को ज्वाइन करने वाला बच्चा भी ओल्ड बैच के इक्वल सिलेबस कर ले। अब ये कैसे पॉसिबल है वो मैं बात बताना चाहूंगा, और आपको क्या करना है ऑनलाइन रहते हुए वो बताना चाहूंगा, और बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप कई बार सेशन सुन के कंफ्यूज जो होते हैं, इसलिए मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। अच्छी बात है कि ये सेशन आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और मुझे जब फीडबैक देते हैं तो बहुत खुशी होती है। कि अब जो 5 अगस्त को बैच आया था, मैं बताना चाहूंगा उसको हमने क्या क्या कवर करवा दिया। 5 अगस्त का बैच का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो चुका है, सेट हो चुका है, बाइनोमियल थ्योरम हो चुका है, डिटरमिनेंट हो चुका है, मैट्रिसेस हो चुका है, प्रोग्रेशन हो चुका है, नंबर सिस्टम हो चुका है, क्लॉक कैलेंडर हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग, क्या क्या बचा है, पीएनसी रनिंग है, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं हुआ है, लॉग हो चुका था उनका, लॉग एक्सपो सीरीज भी हो चुकी है। यानी अगर हम देखें तो 5 अगस्त वाले बच्चे को, अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ओल्ड बैच की केवल एक क्लास चलती है तो न्यू बैच की 2 क्लासेस एक साथ चलती हैं, और 9 सितंबर वाले बैच की अब 3 क्लासेस चलेंगी, जब भी ये पॉसिबल है। इनिशियली बच्चे को लोड लेना ही पड़ेगा, लेट तो आप हो गए, पर लेट होने के बाद भी इम्पीटस गुरुकुल में ये एक क्वालिटी है, एक खूबी है, और ये बात हर बच्चा मानता है कि आपके लेट होने के बाद भी हम अपने एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाएं और आप भी लगाएं, तो टाइम रहते हुए सबका सिलेबस हो सकता है। तो अगले 2 महीने में 5 अगस्त का बैच अगले 1 महीने में, और 9 सितंबर वाला बैच अगले 2 महीने में पुराने टॉपिक के साथ साथ नए टॉपिक को भी पढ़ेगा। तो आपको भी एक एंड पे ये ट्राई करना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला सर 2-2, 3-3 टॉपिक एक साथ करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मैं बोलूंगा ये जरूरी नहीं है कि आप सभी करें, जरूरी ये जो करें वो अच्छे से करें,
ये एक पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा, जो रनिंग टॉपिक क्लास में चल रहा है पहले वो करें और एक एंड से प्रीवियस टॉपिक करें, उससे रनिंग टॉपिक को करने से क्लास में जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस आता है, वो क्योंकि आपको मिलते हैं, और साथ में धीरे धीरे आप पीछे से वो टॉपिक करते जाएं, हो चुके हैं तो आपको फायदा मिलेगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे कॉलेज वाले बच्चों ने मुझे बोला कि सर कॉलेज जाते हैं टाइम तो खराब होता है पर अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है, हम क्या करें। मैंने उनको जो सलाह दी फोन पे वो आपको भी बोलूंगा कि आप लोग अपने साथ जो यहाँ पे टेस्ट पेपर्स मिलते हैं या जो टॉपिक चल रहे हैं वो कॉलेज में फ्री टाइम में करा करिए। इवन टेस्ट सीरीज के पेपर पूरी बुक ना लेके जाएं, बुक लेके जाएंगे तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो कि अलग से बैठे हैं इतना टाइम नहीं। जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फॉर्मूले के रिविजन कर लिए, ये एक कोशिश करिए कि कॉलेज में जो आपके पीरियड फ्री पीरियड होते हैं या जिन टाइम में आपकी पढ़ाई नहीं होती है उन टाइम को यूटिलाइजेशन करना चालू करिए। जो टॉपिक्स आपने पढ़ चुके हैं उनका सेल्फ रिवीजन करिए बुक बंद करके। मैं हमेशा बोलता हूँ बुक बंद करके जो पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छी होती है। जो आता है उनका रिवीजन करते चलिए, जो नहीं आता उनको बुक खोल के पढ़िए। तो जो टेस्ट पेपर मिलते हैं उनको सॉल्व करें, जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करें, क्योंकि अब हर टेस्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट है। और ये सब मैं फाइनल वालों के लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, सेकंड ईयर वाले बच्चों को केवल एक समय में एक टॉपिक करना, और यहां फाइनल वाला एक वीक में करता है, आपको एक महीने में वो टॉपिक कवर करना है जिससे आपको फुल टाइम मिले। अब बात करते हैं कि नए बैच को हम लोग क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। एक महीना मैंने उनको बोल दिया है कि एक्स्ट्रा लेवल लेने होगी। मॉर्निंग में एक क्लास होगी जो मतलब सिक्स क्लासेस होंगी मॉर्निंग में एक तरह से, जिसमें कि हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को फिर से स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, डिटरमिनेंट, बाइनोमियल, एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे। एक होगी आफ्टरनून में, नून टाइम में होगी, एक इवनिंग में होगी, यानी एक करंट टॉपिक और दो एंड पे प्रीवियस टॉपिक, यानी जो 5 अगस्त में हो गया वो एक टॉपिक दोपहर में होगा और एक टॉपिक अलग से मॉर्निंग टाइम में होगा जो 5 अगस्त का बचा है, यानी तीन एंड पे ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अब मैं आपको ये सलाह नहीं देता कि आप बिल्कुल यही करें, पर ऑर्डर अगर ये रखें, सबसे पहले क्वाड्रेटिक, सेट, प्रोग्रेशन, ये नंबर भले ऐसे लिख दिए मैंने, बाइनोमियल, डिटरमिनेंट, मैट्राइसेस, नंबर सिस्टम, क्लॉक कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, लॉग पहले भी कर सकते हैं, एक्सपो एंड लॉ, इस ऑर्डर में रखें। तो आप सब 9 सितंबर वाले बच्चों को सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप एक एंड पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चालू करें, 1 घंटे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें। ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होना बहुत जरूरी है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्पेशली करीब करीब 8 से 10 दिन लगेंगे। 1 घंटे फंक्शन का वीडियो देखें, देन उसके बाद 10th की बुक से स्टार्ट करें तो और अच्छा है, या अगर आपका 11th 12th में मैथ्स नहीं था तो 10th की बुक से करें, है तो 11th की भी से कर सकते हैं। 10 दिन बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, जिसमें हार्डली 2 क्लास लगेंगे, पूरे महीने का शेड्यूल बता रहा हूं। देन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें 3 से 4 क्लास लगेंगी। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें 4 से 5 क्लास लगेंगे। हाइट डिस्टेंस 2 क्लास लगेंगे, यानी इस तरह से अगर हम देखें तो इस मंथ के एंड होते तक आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो जाएगा 20-22 दिन में, हो सकता है अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी जाए। बहुत ही धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि नए बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ पुराने सिलेबस को भी कवर करवाना है। तो एक दिन में यहां पर 2 क्लासेस या 3 क्लासेस नए बच्चों की होगी। वैसे ही अगर आप फॉलो कर पाए तो अच्छा है। तो अब आप कैसे फॉलो करें, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चालू कर दें। 9 सितंबर वाले बच्चों को बोल रहा हूं मैं, जो पुराने उनको पता है क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दें। 1 घंटे ट्रिग्नोमेट्री, 2 घंटे की प्रैक्टिस, फिर 1 घंटे की ट्रिग्नोमेट्री, फिर 2 घंटे की प्रैक्टिस, 5 घंटे ये हो गए। फिर उसके अलावा 1 घंटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 घंटे, 3 घंटे की ये हो गई पढ़ाई। फिर क्वाड्रेटिक के बाद प्रोग्रेशन 1 घंटे, 2 घंटे की प्रैक्टिस। ऐसा आप एक हफ्ते में क्वाड्रेटिक करें, यहां पर भी 1 हफ्ता लगता है। ऐसा नहीं कि नया बच्चा है तो उसको हम 2 दिन में करवा देंगे। टाइम ड्यूरेशन हम उतनी ही लेते हैं जितने पुराने बैच में, बस ये होता है कि उसको 2 या 3 टॉपिक एक साथ पढ़ना होता है। इनिशियल लेवल पे उसको बर्डन तो लेना पड़ता है, और वो आपको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है और आप फाइनल ईयर के वजह से या सेकंड फाइनल ईयर की वजह से भोपाल नहीं आ सकते। ऐसे में कम से कम ये काम तो जरूर करिए। बाकी कभी भी एक्सपीरियंस लेने आना हो तो आप वो मोस्ट वेलकम, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे कभी भी बैचेस बंद नहीं होते। तो आपको करना क्या है फिर समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 10 दिन में कम से कम करना है, और 10 दिन तक करीब करीब 2 घंटे के वीडियो वॉच करना, 1 से 2 घंटे, और 2 से 3 या 4 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। पहले सब्जेक्टिव बुक जरूर करें,
सब्जेक्टिव बुक में आप चाहें तो आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी या आरडी शर्मा। मेरे हिसाब से आरडी शर्मा अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आरडी के एटलीस्ट एग्जाम्पल पूरे कर लें और एक्सरसाइज के 10-20% क्वेश्चन कर लें, इतना भी कर लेंगे तो चलेगा। तो जब आपने मान लो 3-4 घंटे ट्रिग्नोमेट्री कर ली, फिर एक एक टॉपिक को पकड़ के चलें। दो आप तीन मत लें क्योंकि आप ऑनलाइन वाले हैं, यहां पर भी तीन एक दिन में नहीं होंगे, एक दिन क्लास दो की, एक दिन में दो ही होंगे, पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री की केवल तीन क्लास होंगी वीक में, क्योंकि पुराने बच्चों को नए के बराबर लाना, नए बच्चों को पुराने के बराबर लाना, तो केवल ट्रिग्नोमेट्री हफ्ते में हम तीन दिन पढ़ाएंगे। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीन दिन, ऐसे ही सपोज प्रोग्रेशन तीन दिन, ऐसे ही लॉग दो दिन, ऐसे तो ओवरऑल 6 दिन में 12-13-14 पीरियड होंगे उनके। वही चीज आपको करनी, तो आप तीन की जगह दो करिए, एक ट्रिग्नोमेट्री करिए, एक एंड पर इन टॉपिक्स को कवर करते चलिए। अब कुछ बच्चों ने मुझे बोला था, सर अगर हम दो ना कर पाए, क्योंकि कुछ बच्चे जो पहले 5th अगस्त के बैच को फॉलो कर रहे हैं वो नहीं कर, तो मैंने उनको कहा था कोई बात नहीं, इज नॉट नेसेसरी कि आपको दो या तीन करने ही पड़ेंगे, आप एक ही टॉपिक करें पर स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें, और ऑब्जेक्टिव गाइड सॉल्व ना हो रही हो तो कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव बुक करते चलें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो रही है। तो पैनिक होने की जगह बहुत ही पॉजिटिव माइंड से सोचने की जरूरत है कि करना क्या है। तो करना क्या है वो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आप इस सेशन को ध्यान से समझिए, आप कब जुड़े इंपिटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स से। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कोर्स पिछले महीने लिया था पर वो कॉलेज के वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए थे, वो अभी स्टार्ट कर दें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनके पास भी टाइम है, वो जिस दिन से आपकी आंख खुल जाए उस दिन से फिर पीछे मुड़ के ना देखें, यही सजेशन है। तो आप सब लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंड से करिए। पूरे टॉपिक लिखने का पर्पज यही है कि करेंट टॉपिक और इनमें से एक एक टॉपिक को कवर करते चले, धीरे 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 करते चले। 2-3 महीने में पहले ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में अभी लगेगा 2.5-3 महीने, उन 2.5-3 महीने में ट्रिग्नोमेट्री पूरा 1 महीना, कैलकुलस लगभग 1.5 महीना, यानी 2.5 महीने में आप ये टारगेट कर लें कि इन टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर लें, एक एक करके कवर करते जाएं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक चीज, फुल लेंथ पेपर का फायदा यह होगा, कुछ टॉपिक आपको हो सकता है पेपर ना बने तो भी घबराए ना, क्योंकि अगर आपने इनमें से सारे टॉपिक नहीं किए तो फुल लेंथ दिक्कत आ सकती है, पर जितने भी टॉपिक कर रहे हैं वो अच्छे से करें और ट्राई करें कि जब पेपर मिले तो वो टॉपिक पहले करें जो पढ़ चुके हैं, एक बार। दूसरा, अपना कॉम्पिटिशन किसी और से ना करें, खुद से करें। अगर आपने पिछले टेस्ट में 20 क्वेश्चन राइट किए तो कोशिश करें 25 करें, अगले में 30 करें, अगले में 35, ये अगर हो रहा है तो आप प्रोग्रेशन कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव ग्राफ है आपका, फिर आपको टेंशन की जरूरत नहीं। आज 2 घंटे पढ़ते हैं, कल 2.5 घंटे पढ़िए, परसों 3 घंटे। अपना सेल्फ असेसमेंट खुद से कहिए, देखिए कि जिस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस दिन से आज यहाँ का। मैंने यहाँ देखा है कई बच्चे ऐसे आते हैं जब आते हैं तो 0 या माइनस पे होते हैं, आज वो पॉजिटिव पे चले गए। मतलब जो बच्चा सोचिए माइनस प्लस नहीं कर पा रहा, बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, अगर आज वो 20 अटेम्प्ट कर पा रहा है 120 क्वेश्चन में, मैं समझता हूँ ये उसका अचीवमेंट है। पर एक बच्चा जिसको सब आता था वो 60 कर पा रहा और अब 80 कर पा रहा, वो उसका अचीवमेंट है। अब 20 वाला अगर 80 को देखेगा तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आएगा। तो 20 वाले को 80 नहीं देखना, 20 वाले को ही देखना है उसने अपनी प्रोग्रेस कैसे की है, 60 वाले को अपनी प्रोग्रेस देखना है, हर एक को अपनी अपनी प्रोग्रेस देखनी है, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई मत करिए, पॉजिटिव माइंड से नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस यही बोलना चाहूंगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेजिएगा, और कभी भी याद रखिए जब जागो जब ही सवेरा है कहावत एक्चुअल में सच जब होती है, जब हम एक्चुअल में जागने के बाद फिर ना सोएं। तो अगर आपने डिसीजन लिया है तो एक्शन लेके भरपूर मेहनत करिए, पॉजिटिव माइंड से मेहनत करिए, कहीं परेशान ना होइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।